आइए, हमें आप ही का इंतजार था। भाव, मुझे यकीन है कि मेरी चाल कामयाब है। अब अब्दाली यही समझेगा कि हमारा तो ये तो बहुत अच्छा हुआ भाव। अब एक नया शाहसाला सुनिए। वो क्या? दिल्ली के तख्त पर विश्वास राव जी को बिठा दिया गया है। जी हाँ, यही अफवाह कुछ बुरा ही नहीं, आस पास के इलाकों में भी फैली हुई है, इसीलिए अनाज और चारा आसानी से नहीं मिलता। लेकिन ये अफवाह फैलाई किसने? कि दिल्ली की गद्दी पर मराठों ने अपना कब्जा कर लिया है। सूरजमल हमसे अलग हो गया है, उसी ने फैलाई होगी। नजीब के जासूस भी फैला सकते हैं। आओ, फौरन कुछ ना कुछ करना होगा, नहीं तो करेंगे। हमें एक तीर से दो शिकार करेंगे, सूरजमल और नजीब दोनों के चालों को नाकामयाब करेंगे। हम ये ऐलान करवाएंगे कि मुगल शहंशाह शाह आलम की गैर मौजूदगी में उनके बेटे को मुगल सल्तनत का बादशाह बना दिया जाए और सूबेदार अवध शुजाउद्दौला को उनका वजीर बना दिया जाए। शुजाउद्दौला? पर वो तो ये राजनीति है विश्वास राव, जो साथ है उसे हाथ में रखो और जो साथ नहीं उसे उसके साथ न रहने देना जिसके साथ वो है। बिल्कुल सही। कुंजपुरा हमला करने से पहले यहां के लोगों को साथ मिलेंगे और जो लोग अब्दाली की मदद कर रहे हैं उनके बीच फूट के बीच बोलेंगे। एक ऐलान और यह भी किया जाए कि हम दिल्ली से 3/4 फौज हटाए। यह राजनीति है या कोई जंगी चाल? जो भी हो, जब वहां मुगल बादशाह की ताजपोशी का जुलूस निकल रहा होगा हम कुंजपुरा की ओर कूच करेंगे। लोग समझेंगे कि हम दिल्ली छोड़ रहे हैं और हम कुंजपुरा पहुंच जाएंगे। विठल शिवदेव। जी महाराज। हम कुंजपुरा किले के पास हैं। रात को मोर्चे संभाल लिए जाएंगे। सवेरा होते ही जैसे रोशनी बढ़ेगी और किला नजर आने लगेगा तोपें 3 रंगीन गोले छोड़ेंगी
यह हमले का ऐलान होगा। तब तक के लिए पड़ाओ। Let's go!